सुषमा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। सड़क पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद सड़क पर उतर आए। पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। ये क्या कर रहा है तू? गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। मैं इधर टांग अड़ाने को नहीं आया। राज करने के लिए आया मैं। पुष्पा वन की ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस के बाद दर्शक इसके पार्ट 2 की बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि 2021 में आई इस फिल्म ने तहलका मचा दिया था और जब फैंस को पता चला कि डायरेक्टर सुकुमार इस फिल्म का नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आने वाले हैं, तब से ही फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जी हाँ, साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा का सीक्वल पुष्पा द रूल पर काम शुरू हो गया है और अब इस फिल्म से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स की माने तो अल्लू अर्जुन को इस फिल्म के लिए एक सीन शूट करना था जिसके लिए उन्हें एक फीमेल गेटअप में खास डांस परफॉर्मेंस करनी थी, पर इसी दौरान अल्लू अर्जुन को चोट लग गई थी। बताया जा रहा है कि ग्लोबल स्टार अल्लू अर्जुन रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में पुष्पा 2 की शूटिंग कर रहे थे, पर डांस शूटिंग के दौरान उन्हें एक इंजरी आई है। बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की इंजरी की वजह से फिल्म की शूटिंग पोस्टपोन कर दी गई है और इस फिल्म को अब रिस्केड्यूल किया जाएगा। फिलहाल अल्लू अर्जुन पूरी तरह से रेस्ट कर रहे हैं। उनके ठीक होने के बाद ही इस फिल्म पर काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म के बिहाइंड द सीन की कुछ क्लिप्स की भी शेयर किए हैं। इसमें फिल्म के सेट की झलक देखने को मिल रही है। खबरों की माने तो पुष्पा द रोल में दर्शकों को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि पुष्पा के मेकर्स हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अब इस फिल्म के एक और शेड्यूल की शूटिंग जल्द ही शुरू की जाएगी। बता दें कि पुष्पा 2 फिल्म में एक बार फिर से अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना ही नजर आएंगी और साथ ही फहद फासिल और समंथा रुथ प्रभु भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। खबरों की माने तो इस फिल्म का बजट 500 करोड़ बताया जा रहा है और ये फिल्म हमें इसी साल यानी 2024 में सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। इस बड़े अपडेट के बाद फैंस इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल AG फिल्म ट्रेलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।